हेलो जी, क्या हाल है सबका। आपका स्वागत है आपके किचन मोनाटी लोंगू की व्लॉग्स में। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दो तरह के सैंडविच। बताऊंगी मैं आपको, एग चीज़ सैंडविचेस, जो कि खाने में तो बहुत टेस्टी है ही और बनाने में भी बहुत आसान है। आप आराम से इसे बना सकते हैं। आइए फिर देखते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें हम बटर डाल लेंगे 1 चम्मच, और इसमें हम एक अंडा डालेंगे। ये जो सैंडविच है ये हाफ फ्राई अंडे का बनाएंगे हम। इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। पैन को हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। जो फ्लेम है वो आपने स्लो ही रखनी है। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। और दूसरी साइड हमने एक तवा लिया है और उसके ऊपर बटर लगा के हम 2 पीस ब्रेड के लिए हैं उसे हम टोस्ट करेंगे दोनों साइड से, और उधर अंडा भी फ्राई हो रहा है तो इसे हम मल्ट पल्ट करते हुए सेंक लेंगे। एक साइड पे हम टमाटो सॉस लगाएंगे। आप जो भी आपको पसंद है सॉस आप लगा सकते हैं। मैं मायनीज और टमाटो यूज़ करूँगी। इसके ऊपर हमने प्याज लगाया है और टमाटर और खीरा। आपको जो भी पसंद हो, आप लेटस वगैरह या बंद गोभी कुछ भी लगा सकते हो। तो हमारा अंडा तैयार हो गया है और अब हम सैंडविच को असेंबल कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से ऊपर रख लेंगे और इसके ऊपर हम चीज़ का एक स्लाइस लगाएंगे, और जो दूसरा पीस है उसके ऊपर हम मायनीज लगाएंगे। आप कोई भी तंदूरी सॉस या सैंडविच सॉस लगा सकते हो। इसको हम सेकेंगे दूसरी साइड करके, अच्छा इसको क्रिस्पी कर लेंगे गोल्डन। देखो कितना बढ़िया हो गया है। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे और दूसरा भी इसी प्रोसीजर से दूसरा अंडा भी बना लेंगे और इसी तरह असेंबल कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान है, कोई भी बच्चा भी इसे बना सकता है। सैंडविच तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। तो देखिए, काटने से ही पता लग रहा है कि कितना क्रिस्पी है। आप ये बच्चों को जब भी भूख लगती है तभी बना के दे सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 5 मिनट भी नहीं लगते। और दूसरा सैंडविच अब हम तैयार करेंगे। ये दोनों एग चीज़ सैंडविच हैं। ये थोड़ा अलग तरीके से बनाए हैं मैंने दोनों। इसके लिए हम सब्जियां पहले से चॉप कर लेंगे। मैंने लंबाई में सब्जी चॉप की है। इसके लिए मैंने 1 प्याज, आधी शिमला मिर्च और थोड़ा सा बंद गोभी का फूल लिया है, और 1 हरी मिर्च ली है, उसको बारीक बारीक काट लिया है। अब हम सभी सब्जियां मिक्स कर देंगे 1 बाउल में, और थोड़ा सा नमक मिर्च डाल लेंगे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ हरा धनिया लिया है। ये बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, चम्मच का चौथा हिस्सा लाल मिर्च पाउडर और चम्मच का चौथा हिस्सा काली मिर्च पाउडर, और थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं और 2 अंडे लिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 1 अंडा और डाल लेंगे क्योंकि सब्जी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ी सब्जी डाल के जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से बना सकते हो, जितने मेंबर्स ने भी आपके फैमिली में खाना है। एक तवे पर बटर लगाकर उसके ऊपर ये मिक्सचर पा देंगे 2-3 चम्मच, और इसे ब्रेड की शेप में फैला देंगे ताकि सैंडविच बनना आसान हो। 2 मिनट ढक कर रखेंगे और उसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। देखो कितना बढ़िया कलर आया है। इसको बनने में 4-5 मिनट लग जाते हैं क्योंकि बीच में से नहीं तो अंडा कच्चा रहता है। अब हम एक और इसी तरह डाल देंगे तवे के ऊपर बटर लगाकर, इसे भी इसी प्रोसीजर से बना लेंगे। ये बहुत ही अच्छा बनता है और हेल्दी भी बहुत है बच्चों के लिए, क्योंकि सब्जियां हैं इसमें। आप और कोई भी सब्जी जो भी चाहो आप डाल सकते हो। तो अब हम असेंबल कर लेंगे सैंडविच। 2 ब्रेड पीस पे मैंने मायोनीज सॉस लगाई है और ऊपर ये अंडा रख देंगे, और उसके ऊपर ये चीज़ स्लाइस लगाएंगे। चीज़ स्लाइस इसमें बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर लगाइए। अगर नहीं चीज़ स्लाइस तो आप दूसरा चीज़ भी लगा सकते हो, श्रेडेड चीज़ या कोई भी। दूसरे ब्रेड पीस पे हम टमाटो सॉस लगाएंगे और थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहो तो
रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। अब हम ये पीस ऊपर रख देंगे और तवे पर बटर लगा के हम इसे सेक लेंगे। दोनों सैंडविच अच्छी तरह से सेक लेंगे, दूसरी तरफ भी हम बटर लगा लेंगे और इसे घुमा देंगे ताकि जो बटर है वो इसको लग जाए। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे दोनों सैंडविच को और इसे गोल्डन होने तक सेक लेंगे। देखो कितना बढ़िया कलर आया है। ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आप इसे कभी भी बना के खा सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना। ओके जी, बाय। आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। ओके बाय, लव यू ऑल।